स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आप लोगों में से बहुत आदमी ने रिक्वेस्ट किया है जो अंडर 8000 में कौन सा फोन सबसे बेटर रहेगा, तो मैं उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। जो आदमी ने 15-20 फिर 20-30 हज़ार रुपये से फोन नहीं खरीद सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार रुपया उसमें लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार रुपये का फ़ोन ले सकते हैं। उसमें कौन सा फ़ोन लेना सबसे बेस्ट रहेगा उसके लिए, तो मैं इस वीडियो में वो आपको समझाने का कोशिश करूँगा और मैं उसका पूरा डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। जो आपको इतना पैसा में लेने का ज़रूरत नहीं, आपके पास जितना भी पैसा है, आपका बजट जितना भी है, उसका अंदर भी आपका अच्छा खासा फ़ोन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इस वीडियो में मेरे जो फ़ोन का बारे में बात करने वाला हूँ वो है रेडमी नोट 7S का। इसका प्राइस पहले तो 15000 से ऊपर था, अभी जो फिलहाल उसका प्राइस है 8650 रुपये है। तो ये जो इसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी तो नहीं घटा, लेकिन उसका तुम्हारा टाइम के हिसाब से इसका जो रेट है घटते चला गया। और अभी फिलहाल इसका जो रेट है आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके बताते हैं। फ्रंट आप देख सकते हैं, इसका जो फिलहाल रेट है ये 8650 रुपया है। ये जो फ़ोन है बहुत दिन पहले ही रिलीज़ हो चुका है। इसका जो नेम है ऑक्सी ब्लैक, 32 GB का है एंड इसका जो रैम है 3 GB का है। और मैं इसका पूरा फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। हालांकि पहले इसको आ चुका है बाज़ार में, लेकिन उसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर 15000 का फ़ोन अगर 8000 रुपये घट जाए और उसका क्वालिटी भी बढ़िया रहे तो फोन नहीं लेना चाहते। तो आपको सर्च करूँगा या आपको बेस्ट रहेगा, तो मैं इसके फीचर्स के बारे में फटाफट बता देते फ्रेंड। मैं इसका पहले जो बताने वाला हूँ इसका रैम के बारे में, इसका जो रैम आएगा आपको 3 GB वाली रैम आएगा। इसका जो इंटरनल मेमोरी आएगा 32 GB का आएगा एंड एक्सटर्नल जो मेमोरी आएगा आप इधर में 256 GB तक अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो रियर कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, वो भी बहुत बढ़िया है। इसका डिस्प्ले का बारे में अगर बताऊँ तो आप यहाँ से देख सकते फ्रेंड, 6.3 इंच का है, FHD डिस्प्ले बहुत शानदार होने वाला है। और इसका जो फ्रंट कैमरा आएगा वो 13 MP का आएगा। और इसका जो रियर कैमरा आएगा आप देख सकते हैं 48 MP प्लस 5 MP आने वाला है। और फ्रंट कैमरा के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और उसका जो लाइट है लो लाइट है। और इसका अगर बैटरी के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड, ये 4000 mAh वाली बैटरी है, आप इधर से आपको जूम करके बताते। और इसका जो प्रोसेसर आएगा 2.2 GHz का ऑक्टा कोर का है। तो इसका जो फीचर्स अगर बताया गया है, तो अभी फिलहाल इस टाइम पे इतना कम पैसा में मैं आपको बताया था इसका कीमत कितना है। इसका कीमत है सिर्फ 8650 रुपये। तो आप कोई भी कंपनी का फ़ोन का अगर बात करें तो इतना कम पैसा में इसका जो फीचर्स दिया हुआ है कोई भी कंपनी ने फिलहाल तो नहीं मिलने वाला है। यही जो कीमत वाले फ़ोन है, इसका जो फीचर्स है, इसका अगर कंपेयर करोगे दोस्तों किसी भी कंपनी के साथ, तो इसका जो फीचर्स है तो दोस्तों कंपनी कम से कम 12-13 हज़ार रुपये में मिले। तो आपका बजट है, अगर आपका बजट है 8-10 हज़ार रुपया और आप भी बढ़िया फ़ोन खरीदना चाहते हैं, इसका मजा लेना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप जो रेडमी 7S है ये ले सकते हैं। क्योंकि इसका अगर आपको अगर फिर भी कोई कन्फ्यूशन है तो आप कंपेयर कर सकते हो कोई भी फ़ोन के साथ, आप इधर से शो कर सकते हैं। तो इसका नाम भी दे दें, इसके फीचर्स के बारे में भी बता दिए, तो अगर आपको भी थोड़ा बहुत इधर उधर का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने भी जरूर कंपेयर करके बताना। तो मेरा हिसाब से तो अभी यही 8-10 में का अंदर ये जो फ़ोन है सबसे शानदार है। तो आप मैसेज करूँगा ये आप ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।